हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं गटवाला नहर पे, जिसका जाया को प्रॉमिस किया था, उसने इजाज़त ली है अपने दादों से। कोई नहीं, खुली मैंने बंद कर दी। और ये देखें जी, ये नहर है, अब हम इसमें नहाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। इस तरफ काफ़ी सारे ये दरख्त हैं और ये अब हम यहाँ पे रुके। जजाया तो बड़ा इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से कि मैं नहर में जाऊं। रोज़ाइला भी कहती है मैंने जानी, पर और जहरन मिठू आपने नहीं जाना नहर में, आपने बस देखना ही है। मिठू कहता है बस मैंने देखना ही है। रोज़ाइला ने जाना है नहाने के लिए। और जजाया तो पौंड डाल के बैठ गया नहर में। ये देखें, और ये रोज़ाइला भी आ गई है, लेकिन अभी जब डैडा जाएंगे नहर में तो फिर ही नहाना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो नहर में खुद नहीं जा सकते, ना ही हम अलाउ करते हैं, डेंजरस भी होता है। वैसे तो ये नहर इतनी गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होती है। जब मैं जाऊँगा तो फिर इनको मैं नहर में लेके जाऊँगा, मेरा हाथ पकड़ के, फिर ये नहाएँगे। चले नहर में नहाना चाहती हो आप? इधर को बुगा करके बताओ ना व्यूअर्स को। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। जजाया तो आधा चला गया है नहर के अंदर। हाँ, क्योंकि हम जब जा रहे थे फैसलाबाद तो तब भी हम यहाँ रुके थे, इसी जगह पे हम आके रुके थे, और यहाँ पे हमने जाते हुए भी हम नहाए थे इस नहर के अंदर। ओके, बाकी फिर हम आपको अपडेट करेंगे बाद में, जब हम अंदर नहा लेंगे फिर।